अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमसीक्यूज़ नंबर 46 से 57 तक सॉल्व करवाऊंगी। 46 एमसीक्यूज़ इंडिकेटिव्स का सिमिलर मीनिंग हमने फाइंड करना है। इंडिकेटिव का जो मीनिंग है वो है अशारा, साइन करना, तो इस लिहाज से इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ सजेस्टिव ऑफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 47 प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है मोतबर। ऑप्शन दिया हुए हैं, ऑप्शन ए हार्वे, ऑनर्ड, नोट्रियस एंड वाइस, तो इस लिहाज से इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑनर्ड, मोतबर। सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस ए सिमिलर रिलेशनशिप टू दैट इन कैपिटल पेयर ऑफ वर्ड्स। 48 चैप्टर बुक, जिस तरह बुक्स के अंदर होते हैं चैप्टर्स, इसी तरह हमने ऑप्शंस में फाइंड करना है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, हाउस में होते हैं रूम्स, होम में होते हैं रूम्स, हाउस में रूम, तो इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 49 साइंटिस्ट लेबोरेटरी। ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, क्लासरूम एंड टीचर इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लासरूम में होते हैं टीचर्स और लेबोरेटरी में होते हैं साइंटिस्ट्स। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। ये एमसीक्यूज मुश्किल हैं थोड़े से। अ प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड टू वर्ड फाइंडिंग ए क्योर फॉर एड्स। अ प्रोग्रेस ऑप्शन ए हैज़ बीन मेड, ये दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, और सी ऑप्शन फाइंडिंग है, एंड डी अ क्योर। तो आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, अ क्योर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 51 आफ्टर रशीद had returned to his house, he was reading. इस MCQs में जो गलती की गई है वो है was reading। यहाँ पर past continuous लगाया गया है, तो यहाँ पर ये MCQs की grammatically एक mistake है MCQs में। Choose the correct sentence out of four sentences given below. 52 MCQs है ये। Have been taking this medicine for last 60 year. I have been taking this medicine for last 6 year. I have been taking this medicine since last 6 year. I am taking this medicine for last 6 year. इन फोर ऑप्शंस में से मुझे कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला, पर मैंने जो सही ऑप्शन जो देखा है वो ऑप्शन ए है। इसमें हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर लास्ट 6 ईयर जो मैंने फाइंड किया ऑप्शन वो करेक्ट है, और ऑप्शन ए में भी एक मिस्टेक है कि यहाँ पर आई यूज़ नहीं हुआ, और जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होता अगर यहाँ पर सिंस यूज़ ना होता। तो आई थिंक ए इज़ एक करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 53 है ए ही ड्राइव सो फास्ट एज नो वन लाइक्स टू राइड विद हिम। ही ड्राइव सो फास्ट डेट नो वन लाइक्स टू राइड विद हिम। ही ड्राइव एज नो वन लाइक्स टू राइड विद हिम। ही ड्राइव सो फास्ट नो वन लाइक्स टू राइड विद हिम। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ही ड्राइव सो फास्ट डैट नो वन लाइक्स टू राइड विद हिम। नेक्स्ट एम सी क्यूज है 54 चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज That is most nearly opposite in meaning to the given word. It means हमने antonyms find करने हैं। Fluctuate का मतलब होता है ना हमवार, तो इस लिहाज से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा stabilize, हमवार। Next MCQs है 54 appreciation, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है antonym find करना है, हमने मुतजार ढूंढना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है 56 MCQs सॉलिटरी का मतलब होता है तन्हा, अलग, तो इस लिहाज से जो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ बी सोशिएबल। रीड ईच ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस देन चूज द बेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन और द बेस्ट कंप्लीशन ऑफ द स्टेटमेंट। मोस्ट पीपल कलेक्ट स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया
बिलिया फॉर सेंटिमेंटल रीजन, सम पीपल कलेक्ट देम स्ट्रिक्टली टू मेक मनी. 57 MCQs है. वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेंटेंसेस अ कॉज एंड अफेक्ट. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. बी और सी में से इस स्टेटमेंट का कोई करेक्ट ऑप्शन है, या तो ये कंट्रास्ट किया गया है या रेपिटेशन बताई गई है. तो आप इसको खुद फाइंड करने की कोशिश करें.